हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कनेक्टिंग रोड कैप बनाना सिखाऊंगा, एज वेल एज मैं आपको पिस्टन रिंग बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये है हमारी वीडियो सीरीज जिसमें मैं V6 इंजन को डिज़ाइन करना मैं सिखा रहा हूँ। अभी तक हमने क्या क्या डिज़ाइन कर चुका है। हम लोग पिस्टन बना चुके हैं, हम लोग कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंकशाफ्ट की मैंने डिज़ाइन मैंने आपको बता दी है। इसके पिस्टन के लिए, कनेक्टिंग रोड के लिए एंड क्रैंकशाफ्ट की डिज़ाइन के लिए जो PDF चाहिए, जो डायमेंशन चाहिए, वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे होंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक लिंक दी गई होगी मेरे टेलीग्राम चैनल की। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज हमारी जो ये वीडियोस है क्रैंकशाफ्ट की एंड पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड, वो आप ऑनलाइन देखिए और उस डायमेंशन के हिसाब से आप प्रैक्टिस भी घर पे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं। और अभी आज हम लोग कनेक्टिंग रोड कैप बनाएंगे एंड देन हम लोग पिस्टन रिंग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अभी डोंट सेव कर रहा हूँ, नो पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोई भी मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद पार्ट्स पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्केच पे क्लिक करना है। अब फ्रंट पेन में जाके स्केच पे क्लिक कीजिए। द नेक्स्ट इज ये है हमारी कनेक्टिंग रोड कैप की डिजाइन का डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम लोग R27 एंड R36 हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए दो सर्कल लीजिए एंड ड्रॉ कीजिए। R27 है सबसे पहले, तो एग्जिट हो जाने के बाद IPS में जाने के बाद MMGS कर दीजिए। फिर से स्केच में जाके एडिट पे क्लिक कीजिए। मेक श्योर आपके यूनिट MM में हो। तो अब डायमेंशन 27 × 2 होगा, यानी कि 54 होगा, एंड दूसरा डायमेंशन होगा 36 × 2, यानी कि 72 mm। ओके, द नेक्स्ट इज ये हाफ सर्कल है, ये भी सर्कल है, और दोनों आधे से कट हो चुका है, और उसको एक्सट्रूड कितना करना है, 38 mm। 38 mm। तो यहाँ पे जाएंगे सेंटर लाइन, ये वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। द नेक्स्ट इज हम लोग ट्रिम एंटिटीज पे क्लिक करेंगे और इतना पोर्शन एंड इतना पोर्शन हम लोग ट्रिम कर देंगे। फीचर्स में क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड बॉस फेस पर क्लिक करेंगे, कितना एक्सट्रूड करना है, 38 mm। 38 mm, ओके, यहाँ पे 38 लिख देंगे। क्लिक ऑन ओके, एंटर एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरह से इतना पोर्शन रेडी हो चुका है। अब हमें ये वाला पार्ट हमको ड्राइंग करना है, पर वो पार्ट है 60 mm अप। 60 mm हमको अप में वो वाली ड्राइंग हमको करनी पड़ेगी। तो जाएंगे रेफरेंस प्लेन में, प्लेन पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा रोटेट करेंगे और ये वाली प्लेन पे क्लिक करेंगे, फ्लिप द डायरेक्शन एंड यहाँ पे हम लोग दे देंगे 60 mm। क्लिक ऑन ओके। अब स्केच प्लेन तो सिलेक्ट है ही, स्केच में जाने के बाद स्केच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऊपर की साइड हम लोग एक ड्राइंग हम लोग हाँ यहाँ पे हम लोग एक ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करेंगे। वो ड्राइंग इस तरह से होगी, ये है 76 और ये है 18। तो सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे और एक सेंटर लाइन हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये स्लॉट पे क्लिक करेंगे जिसमें सेंटर पॉइंट स्लॉट हो, और सेंटर पॉइंट से हम लोग एक स्लॉट ड्रॉ करेंगे जिसकी विड्थ 18 mm हो। विड्थ होगी 18 mm। एंड हमारी जो ये वाला जो डायमेंशन होगा वो होगा 76 mm। फिर से स्मार्ट डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन होगा 76 है। ओके, द नेक्स्ट इज
हम लोगों को यहाँ पे दो सर्कल भी बनाने हैं, दो सर्कल भी बनाने हैं, तो वो दो सर्कल हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूड करेंगे इसको। इसको एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ से कितना कहाँ तक एक्सट्रूड करना है, तो कोई भी एक अप टू सरफेस, अप टू सरफेस में जाके ये वाली सरफेस को सिलेक्ट कर देंगे एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप देखेंगे तो ये इतना पोर्शन रेडी हो चुका है, पर ये वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा आ चुका है, तो इसको रिमूव करने के लिए स्केच पे जाएंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का से एक सर्कल लेंगे, एक्सिट पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन उसका 54 आ जाएगा, उसको क्लिक कर देंगे, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट पे क्लिक करेंगे एंड इतना पोर्शन हम लोग एक्सट्रूड कट कर देंगे, तो इतना पोर्शन हो जाएगा रिमूव। द नेक्स्ट इज हम लोगों को ये वाले होल बनाना है जो है 9 mm के, जिसका डाया होगा 9 mm। जाएंगे स्केच पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हम लोग एक सर्कल पॉइंट ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन क्लिक हियर एंड गिव द डायमेंशन 9 mm। अब 9 mm यहाँ पे एक डायमेंशन दीजिए, इसका भी डायमेंशन 9 mm दे दीजिए। जाएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड कट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ तक वो कट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज हम लोगों को आगे क्या करना है, हम लोगों को आगे इतना पोर्शन हम लोगों को कट करना है, इतना पोर्शन हम लोगों को कट करना है ओके। द नेक्स्ट इज हम लोगों को ये वाला पोर्शन हम लोगों को कट करना है, यहाँ से यहाँ, इसमें ये वाला डायमेंशन दिखाया नहीं गया है, पर ये वाला डायमेंशन है 25, ये वाला डायमेंशन है 20 mm। तो जाएंगे स्केच में, स्केच में यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड एक त्रिकोण हम लोग बनाएंगे, त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाएंगे ओके। ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन वो होगी कोलिनियर, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन दे देंगे 25 mm, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन दे देंगे 20 mm। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड कट पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके, तो इस तरह से ये इतना पोर्शन कट हो जाएगा। इस प्लेन को हम लोग हाइड कर देंगे। अब जाएंगे राइट प्लेन पे, लीनियर पैटर्न पे, मिरर कमांड पे, यहाँ पे जाएंगे, कट वाला पोर्शन को हम लोग मिरर कर देंगे, तो इतना पोर्शन हो जाएगा मिरर। द नेक्स्ट इज हम लोगों को यहाँ पे रेडियस देनी है, इस रेडियस का नाम है 3 mm, 3 mm जो यहाँ पे भी होगी और इसके आसपास भी होगी, तो जाएंगे फिलेट पे, 10 mm की जगह पे हम लोग 3 mm रखेंगे और इस सभी जगह पे हम लोग फिलेट लगा देंगे, समझ रहे हो, यहाँ पे भी हम लोग फिलेट लगा देंगे एंड यहाँ पे भी हम लोग फिलेट लगा देंगे, तो इतना पोर्शन आपके सामने रेडी हो चुका है। अब द नेक्स्ट चीज आपको कलर करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और अपने हिसाब से आपको जो भी कलर पसंद आए वो आपको कलर कर देना है, आपको जो भी आपको पसंद आए वो आपको कलर कर देना है। सपोज मेरे को येलो कलर करना है, तो मैंने येलो कलर मैंने कर दिया, आपको जो मैंने मॉडल दिखाया था उसमें कलर अलग था, इसमें कलर थोड़ा अलग है, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये है हमारा कनेक्टिंग रोड, ये है हमारा कनेक्टिंग रोड की कैप, जो हमने जो कनेक्टिंग रोड आगे बनाया था उसके ऊपर वाली कैप है, जिसमें यहाँ पे बोल्टिंग होगा ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज हम लोगों को ये पिस्टन रिंग भी बनानी है, पिस्टन रिंग बनाना तो ईजी है, जिसमें डोर डायमीटर है 79 एंड 85, तो इसको अभी हम लोग सेव नहीं करते हैं। रेफरेंस के लिए मैं आपको ये फाइल मैं टेलीग्राम में मेरे चैनल में मैं दे दूंगा, अभी मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल अवेलेबल है, इसलिए मैंने डोंट सेव पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब 585, तो उसके लिए पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, फ्रंट प्लेन में जाएंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे, दो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर देंगे, एक्सिट ओके, सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ मैंने का दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आईपीएस में सबसे पहले एमएमजीएस कर दीजिए, स्केच में स्केच
ओके द नेक्स्ट 85 एंड 17, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 79 mm, एंड उसको एक्सट्रूड करना है 4.3 mm। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 4.3 mm, 4.3 mm, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब ये हमारी हो गई पिस्टन रिंग। कलर में जाएंगे और कलर आपको सपोज यहाँ इसमें ब्लैक करना है तो ब्लैक कर देंगे, तो ये आपकी पिस्टन रिंग भी रेडी हो चुकी है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको V6 सिलेंडर बनाना सिखाऊंगा एंड पिस्टन पिन बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद में हम लोग V6 इंजन की असेंबली पे हम लोग जाएंगे। थैंक यू गाइस, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड शेयर।